नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि साल 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणाम आ चुके हैं और इन परिणामों ने एक बात पूरी तरह से साबित कर दी है कि चाहे कितना ही इस देश में अच्छा करने की कोशिश क्यों न की जाए, लेकिन जनता हमेशा ही स्वार्थी होकर के वोट करती है। दोस्तों, साल 2024 के परिणामों ने एक बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है कि वोट कैसे देना है। इस बात को मुस्लिम समाज बहुत अच्छे से जानता है, जबकि हिंदू समाज आज भी अंधेरे और अंधकार में ही सोया हुआ है। दोस्तों, साल 2024 के लोकसभा परिणामों में सिर्फ कुल 6% मुस्लिम लोगों ने ही भाजपा को वोट दिया, जबकि नरेंद्र मोदी ने सबका साथ और सबके विकास के नारे के साथ कार्य किया। नरेंद्र मोदी ने मुसलमान महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए कई तरह की स्कीम चालू की। नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने के लिए कई तरह की स्कॉलरशिप दी। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक जैसी अपमानजनक चीज से भी मुक्ति दिलाई। नरेंद्र मोदी की सरकार में न जाने कितने ही लाखों मुसलमानों को फ्री का आवास दिया गया। कितनी ऐसी योजनाएं चलाई गई जो कि मुस्लिम समाज का कल्याण कर सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया और कारण आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। वहीं पर एक हिंदू समाज है जिसे अगर 2 समोसे भी फ्री में दे दिए जाए तो वोट तो छोड़ो, वो अपना ईमान तक बेच देता है, जो कि साल 2024 के चुनाव परिणामों से पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। दोस्तों, जहां पर हिंदू समाज का ये कहना होता है कि मंदिर बनने से रोजगार थोड़े मिलता है और मंदिर बनने से किसी का पेट थोड़े ही भरता है, वहीं पर मुस्लिम समाज कभी भी ऐसी बातों को नहीं सोचता। उसके लिए धर्म हमेशा पहले रहता है। वो इस बात को जानता है कि कमाना खाना तो हर सरकार में है, लेकिन जो सरकार उनके धर्म के बारे में सोचती है, मुस्लिम समाज हमेशा ही उन्हें वोट करता है। भारत नमक पैदा करने में भले ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश क्यों न हो, लेकिन एक बात सच है कि नमक हराम पैदा करने में भारत दुनिया का पहला देश जरूर है। इस देश के लोग कभी भी अपने धर्म के बारे में नहीं सोचते, शायद यही इनकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। वहीं पर मुस्लिम समाज हमेशा ही अपने धर्म के बारे में सोचता है, इसी कारण से भारत में अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी मुस्लिम लोगों का दबदबा हमेशा ही चुनाव में बना रहता है और हर सरकार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण के बारे में ही सोचती है। हिंदुओं से उनकी जमीन छीन करके मुसलमानों को दे दी जाती है, लेकिन हिंदुओं का कभी भी मुंह नहीं खुलता। लेकिन जो सरकार हिंदू हित के लिए कार्य करती है, वही जनता उन्हें लात मार करके भगा देती है। अगर मुस्लिम समाज के लोगों से कुछ सीखना है तो एक चीज जरूर सीखो, वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य तभी सुरक्षित रहेगा जब उनका धर्म बचा रहेगा, जब उनकी आबादी ज्यादा होगी। इसी कारण से मुस्लिम समाज हमेशा ही अपने धर्म के लिए वोट करता है, चाहे सरकार उन्हें कुछ भी क्यों ना दे दे, लेकिन वो कभी भी अपने धर्म के खिलाफ वोट नहीं करते। वहीं पर एक हिंदू समाज है जिसे कितना ही कुछ क्यों ना दे दिया जाए, लेकिन तब भी उसके लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता। अगर आप लोगों को अपने ऊपर धिक्कार है और अपने आप को आप लोग एक इंसान समझते हैं, तब मेरी कही गई बात को एक बार सोच के जरूर देखना कि आप अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाना चाहते हैं या फिर उन्हें अंधकार में धकेल करके जाना चाहते हैं।